आज मैं आलू फूल गोभी का बेहद ही टेस्टी पराठा रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए आलू को नमक डालकर उबाल लेते हैं। देख सकते हैं आलू उबल चुका है, अब इसे छील लेंगे। देख सकते हैं आलू छील लिए हैं और फूल गोभी को कद्दू कसकर ले लिए हैं। अब चलते हैं कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस पे। देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए गैस पे और कढ़ाई में डाल दे रहे हैं 1.5 से 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब डालेंगे 5 फोरन। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया, अब डाल देते हैं 5 फोरन। देख सकते हैं 5 फोरन डालेंगे। इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। इसके बाद सूखी लाल मिर्च डाल देंगे तोड़कर। यहाँ तेज पत्ता डाल देंगे एक। यहाँ डाल देते हैं अदरक और मिर्चा को मोटा कूट कर डालें। सभी को अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए सभी अच्छी तरह से भुंजा गया। अब डाल देते हैं कद्दूकस किया हुआ फूल गोभी। इसे भी अच्छी तरह से भूंजेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूंज लेते हैं। देख सकते हैं फूल गोभी का थोड़ा कलर चेंज हो गया। अब डाल देते हैं उबला हुआ आलू। अब डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी। अब डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ये सभी को अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाला मतलब आलू मसाला सभी अच्छी तरह से भुंजा जाना चाहिए, तभी मसाला में अच्छी तरह से टेस्ट आता है। तेज पत्ता निकाल देते हैं यहाँ, नहीं तो रोटी जब पराठा बनाएंगे तो फट जाएगा तेज़पत्ता के कारण, इसलिए तेज़पत्ता निकाल दिए हैं। अब डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं मसाले में। देख सकते हैं धनिया अच्छी तरह से मिल गया है। अब मसाला तैयार हो गया है। अब इसे ढक देते हैं। अब चलते हैं आटा लगा लेते हैं। आटा ले लिए हैं मतलब 1 पोहा आटा ले लिए और अजवाइन ले रहे हैं हाथों में क्रश करके डाल दे रहे हैं। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब धीरे धीरे पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं आटा मेरा तैयार हो गया। इसे ढक कर रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुका, अब इसे एक बार और मिला लेते हैं। देख सकते हैं पूरा मुलायम आटा बना है मेरा। इतने ही सॉफ्ट आटा तैयार करना है, हाथ लगा के दिखा देते हैं। देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट बना है। इसे अब चलते पराठा तैयार करते। एक रोटी जितना बड़ा लोई ले लेंगे, रोटी का जितना बड़ा लोई होता है उतने ही बड़ा इसका भी लेंगे। बस इसके इस तरह मतलब बीच में गढ़ा कर देंगे। देख सकते हैं इसमें आलू भर देंगे, जो आलू चोखा तैयार किए थे मसाला, आलू का मसाला वो इसमें भर देंगे। और इसका
मुंह अच्छी तरह से सील कर देंगे और सूखा आटा लेकर इसे रोटी के जैसा फैला लेंगे। अब ये तैयार हो गया, चलिए तावा पर डाल देते हैं। एक तरफ सीख जाए तो इसे पलट देंगे। अब इस वक्त आप चाहे घी लगाएं चाहे रिफाइन लगाएं, मैं यहाँ घी लगा दे रही हूँ हल्का हल्का। फिर पलट के घी लगा देंगे। इसी तरह से उलटते पलटते दोनों साइड अच्छी तरह से सेक लेंगे। इस तरह से आलू और फूलगोभी को दोनों को एक साथ मिला के ना पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी हो जाता है फूलगोभी मिलाने से। देखिए ये तैयार हो गया, देख सकते हैं ये रेडी हो गया, इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से गाट पराठा सेक लेते हैं। एक साइड सिक जाए तो पलट देंगे। यहाँ घी लगा दे रहे, पलट के भी घी लगा देंगे। इसे भी उलटते पलटते सेकाई कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि कच्चा ना रहे। आप इसे टोमेटो सॉस, हरी चटनी, बादाम चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं, ये भी हो गया है। ये इस तरफ फोल्ड कर दे रहे हैं। इसे चलिए प्लेटिंग करेंगे। देख सकते हैं प्लेटिंग कर दिए टोमेटो सॉस के साथ। आप भी इसी तरह से टोमेटो सॉस या बादाम चटनी या हरी चटनी के साथ खाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का और हेल्दी और टेस्टी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक बाय बाय।